बुरहानपुर जिले की सड़कें इन दिनों खस्ता हाल बनी हुई हैं। बता दें कि शहर में पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें। दरअसल सड़कों के हालात देखकर ऐसा लगता है कि सीवेज और नालों के गहरीकरण और पुलिया निर्माण के लिए शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी आरोप सड़कों की बदहाल स्थिति को देखकर बड़े आरोप लगाए और कहा कि पार्षद और नगर निगम अध्यक्ष द्वारा भी इन मुद्दों को उठाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। दुख की बात है कि जो बुरहानपुर में जल योजना आई थी उसको लेकर पूरे शहर को खोद दिया गया है। कोई प्लानिंग नहीं है नगर निगम के पास। और आज जो हमारे शहर की बेटी हो गए जो बेटियां स्कूल जाती है साइकिल से, वो बाजू से मोटरसाइकिल निकलती है तो जो पानी है उनके कपड़ों पर ड्रेस पर निकल जाता है, बाहर जाती है। पर आज की तारीख में महापौर जी किसी भी प्रकार से बुरहानपुर में ना ही घूमते हैं ना ही देखते हैं। उनका काम है महापौर जी का तो बुरहानपुर में घूमे और यहाँ की समस्या को तीसरी बार महापौर बने हो। यहाँ के लोगों ने उनको इतना प्यार लुटाया और पूरे शहर में गड्ढे हो गए। अभी तीन पुलिया बनी है उखड़ गई, राजपुरा से लेके राजपुर ये रोड जो नए बने काया क्लब में पूरे उखड़ गए। अंडा बाजार तब पर जो रोड बना कसाई बाजार तक पूरा उखड़ गया। जो ये पट्टी साइड पट्टी भरी है ये उखड़ गया। मुझे ये समझ में नहीं आता क्या मालूम क्या ठेकेदारों से प्यार है कहीं ना कहीं। ये बताइए कि 48 पार्षद है और पार्षद अपने मोहल्ले को सुधार नहीं पा रहा है तो जनता ने कहने गलत निर्णय लिया। परिषद में 3 लाख रुपए पार्षद निधि तय हुई थी, वो आज तक पार्षदों को नहीं मिली। कहीं ना कहीं घड़ी घड़ी हम लेटर अध्यक्ष नगर निगम देती है परिषद की मीटिंग बुलाने के लिए, मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है। ये दुख लेके अब हम जनता के बीच में जाएंगे कि शहर की जनता ने हमें भी जिताया है और नेतृत्व करने भेजा है और आज हमें बहुत दुख है। पूरा शहर गड्ढे में है और जब बारिश अब ज्यादा होने जा रही है। बहुत ही दुख की बात है कि बेशरम के झाड़ को भी भाजपा के नेताओं ने पीछे छोड़ दिया। इतनी बेशरमाई आज आम जनता हमारी शहर की लगातार जो इनको जुताई है उनके आज ये हाल कि कौन कहाँ गिर रहा है, कौन क्या हो रहा है, गंदा पानी पी रहे, गड्ढों में इतना पानी भर रहा है, नालियों में पानी भर रहा है जिसके कारण लोग गंदा पानी पी रहे हैं, अपने आप में दुर्घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद भी बेशरम शहर के भाजपा के प्रतिनिधि। और अफसोस ये होता है कि हमारे कांग्रेस पार्षद दल ने, हमारा नगर निगम अध्यक्ष ने, हमने सबने मिलकर लगातार कलेक्टर मैडम के माध्यम से, SDM मैडम के माध्यम से, कमिश्नर महोदय को लगातार हमने कहा है पिछले 4 महीने से कि बरसात का सीजन सिर पर आने वाला है, आप ये गड्ढे भरने का काम करें, बाकी इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। तो ये जरूर इस बात का दुख है कि बेशरम से भी बढ़कर बुरहान, बेशरम से झाड़ से भी बढ़कर भाजपा ही बेशरम हो चुके हैं। अब क्या करने जाएंगे? और हम बहुत जल्द ही बुरहानपुर की शहर की जनता को लेकर साथ में कांग्रेस पार्षद दल हम सब मिलकर शहर की जनता की आवाज़ को उठाएंगे और ये बेशरमों को उनके मुकाम तक छोड़ कर आएंगे। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम रहती है क्योंकि रोड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बचाने के कारण छोटे मोटे वाहन डाल नहीं सकते, इसलिए ट्रैफिक जाम हो जाती है। और ये दुकानदार रास्ते पे अपने गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, इसलिए ट्रैफिक बुरहानपुर में जाम होती है।